यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 10 गणित टॉपिक है बहुपद प्रश्नावली 2.3। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है अथवा नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट दिए हुए हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। पहला बहुपद ये, इससे दूसरे वाले को भाग देनी है और बताना है कि गुणनखंड है कि नहीं। भाग देने पर यदि शेषफल 0 आ जाता है या 0 आ जाता है तो गुणनखंड होता है, शेषफल कुछ बच रहा है तो गुणनखंड नहीं होता है। तो हम पहला वाला पार्ट यहाँ पर स्टार्टिंग कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट। टी स्क्वायर माइनस 3 से भाग देंगे 2t4 प्लस 3t3 प्लस माइनस 2t2 माइनस 9t माइनस 12 भाग देखिए, भाग पर हमें ऊपर लिखेंगे। ठीक है, शेष अगर 0 आएगा, शेष अगर 0 आएगा तो होगा गुणनखंड, और शेष 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। टी की घात 4 है, यहाँ पे टी की घात 2 है, तो एक तो 2 की ज़रूरत है, टी की घात 4 बनानी है, तो टी की घात 2 दूनी 4, तो 2t की घात 4 यहाँ गुणा किया 2 6 6t2 घटाने पर ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया। अब बचता है 3t3, 6 प्लस के हैं 2 माइनस के हैं, प्लस का 4t2। ठीक है, टी की घात यहाँ पे 2 है, आनी है 3, तो एक तो 3 से गुणा करना है, टी की घात 3 बनाने के लिए टी से गुणा करना है, तो ये हो गया 3t3 और 3 3 9 9t। फिर से घटाने पर ये माइनस ये प्लस ये कट गया। उसके बाद बचता है 4t2 प्लस 9t। ऊपर से अगर हम 9t उतारते हैं तो ये 0 हो जाएगा कट के, 2t2 आया था कि नहीं, अभी ये लिया, एक मिनट, हाँ 6 प्लस के थे 2 माइनस के, तो 4t2 हो गया था, 6 में से 2 घटाएंगे 4। ओके, फिर यहाँ पे 90 बचता है, ऊपर से माइनस 90 लाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का 12 भी उतार लेते हैं क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई मीन्स नहीं रह गया, तो बच रहा है 4t2 माइनस 12। तो 4 लाना है t2, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4t2, 4 से गुणा किया 4t2, एड 4 3 12 माइनस 12 घटाने पर माइनस प्लस कैंसिल हो गया 0। अगर शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड है, तो इसका शेषफल 0 आ चुका है, तो ये क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड है, यानी कि पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है क्योंकि शेषफल आ चुका है 0। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर, पहला पार्ट हो चुका है, दूसरा पार्ट है x2 प्लस 3x+1 डिवाइडिंग 3x4 प्लस 5x3 माइनस 7x2 प्लस 2x+2। ठीक है, भाग पर मैं ऊपर लिख लेता हूँ, x4 बनाना है और 3 यानी कि 3x2 से गुणा करेंगे, तो गुणा करनी होगी 3x2, तो यह हो जाएगा 3x4 और 3 3 9x3 और 3x2 घटाने पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हुआ, माइनस के 9 हैं प्लस के 5 हैं, तो माइनस का 4x3 और 4 3 7 3 10 माइनस का 10x2। ठीक है, माइनस के 9 प्लस के 5 माइनस का 4x3 एंड माइनस का 10x2 और ऊपर से उतार लेते हैं 2x, माइनस का 4x3 बनाना है, तो माइनस का 4x से गुणा कर दें, इसकी यहाँ गुणा होगी 4 1 1 ये और 2 ये 3, माइनस का 4x3 आ जाएगा, इसकी गुणा यहाँ 4 3 12x2 माइनस 4 की 1 में माइनस का 4x, फिर से घटाने पर प्लस ये प्लस ये प्लस ये कैंसिल हुआ, 12x2 में से 10x2 घटाएंगे 2x2 एंड 4 2 6x ऊपर से उतारेंगे 2। अब देख सकते हैं 2 लाना है, तो 2 से गुणा कर दें तो 2x2, 2 से यहाँ गुणा करें 2 3 6 तो 1 2 घटाने पर ये कट गए, सब आ गया 0, यानी कि शेष फल 0 है तो गुणनखंड है, शेष 0 है तो क्या होगा, ये
एक गुणनखंड है, जहाँ से इस पर जीरो आता है तो वो एक गुणनखंड होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर थर्ड की ओर, यह एक्स क्यू माइनस का 3x प्लस 1 एक्स की घात 5 माइनस का 4x क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। पार्ट नंबर थर्ड, इसका भागफल भी हम ऊपर लिख लेंगे। यहाँ एक्स की घात 5 बनाना है, 3 है तो 2 से गुणा करेंगे, एक्स की घात 2 से, एक्स की घात 2 की गुणा एक्स की घात 3 में होगी तो एक्स की घात 5, एक्स की घात 2 की गुणा यहाँ होगी माइनस का 3 एक्स की घात 3, एक्स की घात 2 की गुणा 1 में होगी एक्स स्क्वायर घटाने पर माइनस, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हुआ, माइनस के 4 एक्स की घात 3 है एंड प्लस के 3 है तो ये हो गया माइनस का एक्स की घात 3 एंड एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा, ओके प्लस एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर तो ऊपर से उतारते हैं 3x प्लस 1, एक्स की घात 3 माइनस का है यहाँ पे प्लस का एक्स की घात 3 है तो माइनस 1 से गुणा कर देते हैं, माइनस 1 की गुणा यहाँ माइनस का एक्स की घात 3 एंड माइनस माइनस का प्लस का 3x एंड ये माइनस 1 की गुणा माइनस 1 की गुणा प्लस 1 में होगी तो आ जाएगा माइनस 1, घटाने पर ये प्लस ये साइन माइनस और ये प्लस ये कैंसिल होगा ये कैंसिल होगा, 1 प्लस 1 2 बचता है शेषफल यानी कि 2 आ रहा है, शेष आ रहा है 2 तो यह गुणनखंड नहीं है, ठीक है। शेष जब 0 आएगा तभी गुणनखंड होगा, गुणनखंड नहीं